ग्राउंड में टीम मौजूद है। एक बार फिर से सफेदों के खान सर चौक पर, और यहां अब डीएसपी धर्मवीर सिंह खरब पहुंचे हैं और जो मृतका महिला है उसके परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या, किस तरह की क्या बातचीत चल रही है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी आए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है उन्हें। तो है इसमें तो कोई दो राय नहीं भाई, जो दोषी है उसके तो खिलाफ कार्रवाई होगी, जो आप वो इनको मदद कर सको वहाँ मदद कर दो। भाई सुनो, एक तो जो FIR दर्ज वो बाय नेम जो ये कह रहे हैं बाय नेम की, सर FIR की कॉपी दे दो, और कॉपी दे दो नाम सर। दूसरा सर, जो ड्यूटी मुआवजे की बात है, जो उनको मुआवजे की बात है सर, एक बार अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, समाज कल्याण विभाग से बात करके भी इसकी घोषणा करके भी इनको मुआवजा मिलेगा बच्चों को। हाँ, ये भी है देवर, ये भी पूछ कर वाली भी हैंडीकैप सर, जो बच्चे हैं ना मान लो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मरली रोलर का आदमी भी हैंडीकैप है, तहसीलदार से अपने बुला लो रफली आईडिया एसटी में भाई, यही की थी मदद हो जाएगी बिजली बोर्ड का, हमने बिजली बोर्ड का तो भाई आप इनके वजह से आप वहां मौके पे जाके जो खंभे अभी बिजली बोर्ड के मतलब है आपसे खड़े हैं एक्शन मुकम प्रशासन बताइए कितना देंगे, आप करो आप भी जाके देख के उनसे काम दो, आप उन खंभों का अभी आप जो मतलब मिले पूरे घटना को लेकर, जो घटनाक्रम का सुबह से चला हुआ है इसको लेकर अभी आपने एक प्रशासन के सामने क्या मांग रखी है? मांगी है कि जो FIR दर्ज हुई है जी, FIR दर्ज की कॉपी अभी एसपी साहब आए हुए हैं, इसकी कॉपी दे देंगे। साथ में दूसरा क्या है, जो खंभे है मौके के, जो मौके घटना घटी है ऐसे ही और भी खंभे हैं, एसडीओ साहब आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि उन खंभों को सभी को दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, और जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ आई नहीं मैं FIR दर्ज करके उनसे कार्रवाई की जाएगी, और परिवार को जो उचित मुआवजा है ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब तहसीलदार साहब है यहाँ पे, वो उचित मुआवजा जो है वो दुआने के बाद करें सर। अब जैसे कि मृतक के परिजन है, जैसा कि इनकी डिमांड इन्होंने एक जैसे इन्होंने मांग रखी है अभी आपके सामने, उस पर किस तरह कार्रवाई करोगे सर? सर अभी जो मृतक के परिजन मौजूद है यहाँ, आप मौके पर पहुंचे हैं, सुबह से घटनाक्रम चलो हुआ है, सुबह 7 बजे का घटनाक्रम चला है, जो मांगे परिजनों ने रखी है उस पर किस तरह क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जो मांगे रखी है, जो बच्चों की कंपनसेशन की बात है जी, जो लोग बिजली बोर्ड की जो पॉलिसी है यूएच पीरियड की जी, उसके हिसाब से एसडीओ साहब ने कहा हम केस बना के भेज देंगे जी, और केस बनाने के बाद जो कमेटी की मीटिंग होगी वो अप्रूवल हो जाएगा, वो इनको कंपनसेशन बच्चों को मिल जाएगा जी। और रही बात पोल बदलने की, पोल एसडीओ साहब ने कह दिया जो पोल है एक्शन साहब ने आदेश दे दिया है, जो फंडम पोल उनको तुरंत चेंज करो जी, और ये अकेले खातले गांव की बात नहीं, पूरा सफेदों सब डिवीजन में चेंज होने चाहिए बिल्कुल सर, क्योंकि आज खातले में आकर ना कहीं और हो जाएगा बिल्कुल सर बिल्कुल। तो पहली प्रायोरिटी वही है जो कंडम पोल है गिरने की अवस्था में है उनको चेंज करेंगे, और यो जो मुआवजे की बात है FIR दर्ज हो चुकी है, जो माई नेम FIR में और नाम ऐड करना है तो ये एप्लीकेशन देंगे, उसमें हम उसका बयान लिख के 161 में फिर ऐड कर देंगे। सर अभी कितने कर्मियों के खिलाफ माई नेम FIR दर्ज हुई है? अभी इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है भाई बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध FIR करवाई ना, कोई नाम नहीं दिया किसी का जिनकी मौके पर ड्यूटी, लेकिन अब नाम देना चाहते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एप्लीकेशन दे देंगे, हम उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके 161 CRPC में ऐड कर देंगे। जैसा कि इन्होंने आप ऑन रिकॉर्ड इनको आश्वासन दे रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, तो क्या लगता है कि ये डेड बॉडी है वापस ले लेंगे? अब तू पूछ ले तेरे सामने खड़े हैं। हाँ जी सुनील जी, लगता है ऐसा है, आप इसे पूछ लेते हैं जो मांगे हैं जी, अगर उसको प्रशासन मानने के लिए तैयार तो डेड बॉडी में भी कोई ऐसी बात नहीं है, प्रशासन पे भी हमें एतबार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन भी हमारा ही, हमारे ही व्यक्ति है, प्रशासन में अच्छे भी और बुरे व्यक्ति मौजूद हैं। सर क्या नाम बताया था आपने अपना? संदीप सर, संदीप गोदारा। सर सर क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? घटनाक्रम जो हुआ है बहुत दुखद है जी, प्राइम ऑफिस की लापरवाही आई है उसके खिलाफ होगी, ग्रामीणों ने मेरे को बताया कि कई पोल है कोई दिक्कत नहीं है या जिनको उखाड़ना है, गर्मी ज्यादा है, मैं ग्रामीणों को आश्वासन देता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज का मैं सर्वे करवा के और लेबर का प्रबंध करके, और हमारी कोशिश रहेगी 3-4 दिनों के अंदर ये काम हो जाए। जैसा कि DSP साहब ने बताया कि पूरे सफेदों में कई जगह ऐसे हालात बने हुए हैं, खाली खातरा में सर, खाली खातरा में ही DSP साहब ने बताया खाली सफेदे भी ऐसे हालात। वो कौन है जी जो ड्यूटी पे विजयी है? वो कौन है ड्यूटी पे जी? राजवीर जी बताएंगे, जैसा मेरे को लोग बता रहे हैं कि रमेश जी, सर दो ग्रामीणों ने बताया खातला की, पहले तो खातला वाला हम लेबर का प्रबंध करके सबसे तुरंत कराएंगे, बाकी जो सफेदों सिटी में या जो मेरे अंडर में जो गांव पड़ते हैं 10-12 उनमें भी हम सर्वे करवाएंगे, और ये काम जो है इसको प्रोसेस आठ महीने से डेढ़ साल हो गई कंप्लायंस आप देख सकते हैं सफेदों प्रशासन यहां पहुंचा है, और जो मृतक के परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस घटना के जो लापरवाही कर्मचारी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए,
और जिसकी कॉपी इन्होंने मांगी है और जो मुआवजा बनता है वो भी इस पर गरीब परिवार को दिया जाए, क्योंकि ये महिला जो मृतक महिला है ये भी अपाहिज, इसका एक हाथ कटा हुआ था, इसका जो पति है वो भी अपाहिज है, तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सफीदों प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और जो परिजनों ने मांग रखी है कि इसे मुआवजा भी दिया जाए और जो लापरवाह कर्मचारी बिजली कर्मचारी जो हैं जिनकी जो ड्यूटी पर तैनात थे उस समय पिछले 8 महीने से बदतर हालात थे, पोल गिरे हुए थे, केबल गिरी हुई थी, जिसके कारण आज ये दर्दनाक हादसा हुआ और एक 40 वर्षीय महिला की इस घटना में मौत हो गई। इसका शव इन्होंने खानसर चौक पर रखकर जाम लगाया हुआ है। अब देखना होगा कि पूरी स्थिति को लेकर सफीदों प्रशासन, सफीदों बिजली विभाग के जो कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, जो परिजनों को समझा बुझा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मांगे भी रखी हैं कि इस परिवार को मुआवजा दिलाया जाए और जो लापरवाह कर्मचारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एफ आई आर लॉज की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर सफीदों प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और जो परिजन है मृतक महिला के वो सफीदों प्रशासनिक अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद संतुष्ट कितने नज़र आते हैं या नहीं संतुष्ट नज़र आते हैं, इन सभी बातों को लेकर हम आपको लगातार इस घटना की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे जो सुबह 7 बजे से लेकर अब लगभग दोपहर के 3:30 बजने वाली है और ये घटनाक्रम चला हुआ था और जो अब तक लगातार जारी है। हालांकि आप देख सकते हैं जो मृतक महिला है अभी भी उसका शव सफीदों के खानसर चौक पर रखा हुआ है और ग्रामीणों की सीधी सी मांग ये है कि FIR दर्ज करके तुरंत उन्हें दी जाए और जो इसके जो दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं एक बात कहना चाहूँ। जी 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 बोलिए। मान ले किसी का पोल पड़ जाए बिजली बोर्ड का, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका जाना ले सके है, बिल्कुल, तो इसका जाना कौन देगा? बिल्कुल जायज बात है आपकी, जब बिजली का विभाग किसी अन्य व्यक्ति से गिरता है तो उसके खिलाफ एक आम आदमी से अगर मालिक को नुकसान होता है तो उसके FIR भी होती है, गिरफ्तार भी किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल जायज है कि आज ये महिला बिजली बोर्ड की लापरवाही से महिला की मौत हो गई है, इसका हर्जाना कौन देगा? बिल्कुल जायज मांग है। यहाँ ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि जब बिजली विभाग का कोई पोल किसी आम व्यक्ति से गिर जाता है या नुकसान हो जाता है तो बिजली विभाग उसके खिलाफ FIR दर्ज कराता है, जुर्माना वसूल करता है। लेकिन आज ये मृतक महिला जो बिजली बोर्ड के लापरवाही की वजह से मौत हुई, इसका हर्जाना कौन देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना है जो प्रशासनिक अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया है वो आश्वासन पे कितना खरा उतरते हैं और जो परिजन है इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट नजर आते हैं, ये कोई संतुष्ट नहीं। इसका जाना देना पड़ेगा। अभी जो प्रशासन चार बजने वाली है, चार बज चुके हैं और ये घटनाक्रम सुबह 7 बजे चला हुआ है। कोई 12 13 4 9 घंटे हो गए अभी। यहाँ अधिकारी पहुँचे हैं, DSP धर्मवीर खरम पहुँचे, उन्होंने कहा है कि FIR दर्ज करके आपको दी जाएगी, कार्रवाई चलेगी और कुछ नहीं। जो आश्वासन अधिकारियों ने आपको दिया है, एक मिनट रुकिए, जो आश्वासन अधिकारियों ने आपको दिया है अगर वो आश्वासन में खरी नहीं उतरती प्रशासन या पुलिस तो अगला कदम क्या रहेगा? अब क्या कारण लगे? सोमवार को कार्रवाई करेंगे, सोमवार को क्या होगा ये बताओ, तो बताओ सोमवार को क्या हो रही है? सोमवार को कार्रवाई करेंगे अगर उससे पहले, एक मिनट, अगर उससे पहले कार्रवाई नहीं होती तो क्या सब यही रखा रहेगा? रखा होगा, चाहे 3 दिन रखा होगा, चाहे 3 दिन रखा होगा, बस आप नहीं मानने वाले, नहीं मानने वाले। यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण को कहना है कि मंत्री आए, CM आए, कोई भी आए, जब तक कोई इनकी मांगे मौके पर नहीं मानी जाएंगी ये शव यहां से नहीं उठाएंगे। अब देखना होगा इस घटना को लेकर प्रशासनिक अधिकारी, हरियाणा सरकार, सफीदों प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और जो महिला का शव है वो खानसर चौक पर इन्होंने ग्रामीण रखा हुआ, सैकड़ों की तादाद में यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं लेकिन अभी तक वो प्रशासन के आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। जो स्थिति जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि परिजनों का एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जब तक मौके पर इस समस्या का निदान नहीं होगा तब तक ये परिजन यहां से शव को नहीं उठाएंगे।
जी सुनील जी बताइए। सही बात है, यहाँ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रामपाल शर्मा मौजूद है, उनसे बातचीत की जा रही है। बीपीएल कार्ड है प्रावधान है, सौ प्रतिशत दुआएंगे और जो ज्यादा ये बात मिलेंगे वो दुआएंगे। आपका कोई बात हुआ ना वो कितनी है क्या है जो दोनों हैंडीकैप है, दोनों हैंडीकैप है और दोनों पेंशन धारक है। कुछ नहीं है, चलो वो गारंटी मेरी है, मेरे दस्तखत हो गए, इनकम लिखे जाएगा, इनकी इनकम के 2000 रुपए पेंशन मिलती है। आप मुआवजे का है, आप मुआवजे की बात करें, जो समाज कल्याण की बात है। मेरी हमारे विभाग का मैं बता रहा हूँ कि जो मुआवजे का केस है इनका, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सारी लग गई, इनके आधार कार्ड भी लगेंगे, वो केस मैं मना के मेरी हायर अथॉरिटी को भेज दूंगा। वो हमारी ब्यूटी की मीटिंग होती है सर, वहाँ से वो मेरा मुआवजा डिसाइड होगा, वो उम्र के आधार पर होता है। जो खंबे हैं वहाँ के, जो लापरवाही हो जाएंगे खंबे की है। जो ये एरिया तो आपका आपका तो सिटी है, सिटी तो है जी, लेकिन एक्शन ने भेज रखा ना इनको बना के, सर्वे सर्वे करवाओ आप, हाँ सर्वे करवाओ उनका, और सोमवार को लेबर लगा दो, लेबर का प्रबंध कर दो। एसडीओ साहब, एसडीओ साहब आप मेरे साथ चलो, बिल्कुल जितने भी खंभे गलत है ना अभी सर्वे करो। एसडीओ साहब एक बड़ा सवाल, यहाँ पूरी इस घटना को, एक मिनट, इस पूरी घटना को लेकर पिछले 8 महीने से ये स्थिति बनी हुई है, जगह जगह ग्राउंड सफेदों कंस्टिट्यूएंसी में कई जगह ऐसी स्थिति है जो बिजली का जो खंभे हैं केबल गिरी हुई है। सर क्या मानते हैं अगर ये बिजली के खंभे और केबल अगर समय से, जैसे ग्रामीण बता रहे पिछले आठ महीने से लगातार शिकायत दी जा रही है, क्या समय पर अगर इनकी स्थिति दुरुस्त कर दी जाती तो शायद आज ये घटना ना होती? देखो जी नेचुरल सी बात है, अगर समय पे हो जाती ये चीजें हो जाती तो भगवान। सर 8 महीने, सर 8 महीने, सर 8 महीने, 8 महीने से लगातार ये स्थिति बनी हुई है। क्या आप मानते, क्या अगर 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 मान ले अगर आप ये ठीक कर देते ग्रामीण की सवाल नहीं होता तो नहीं होता ना, तो जिम्मेवारी किसकी, जिम्मेवारी किसकी, तो जिम्मेवारी है जो हमारी है बिजली विभाग की, मानते हैं ना? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप, यहाँ देख सकते हैं आप बिजली विभाग के जो एसडीओ हैं वो मानते हैं कि उन अगर 8 महीने पहले, अगर 8 महीने पहले जैसे ग्रामीणों ने बताया है कि इसकी शिकायत दी जा रही थी, अगर 8 महीने पहले इन खंभों को, इस केबल को ठीक कर दिया जाता तो आज इस मासूम महिला की, आज इस मासूम महिला की जो आज जिसके शव की यहाँ दुर्गति हो रही है, बिजली बोर्ड के एसडीओ ने खुद माना है कि 8 महीने जो शिकायत दी जा रही थी, अगर 8 महीने पहले अगर उन केबल को, पोल को ठीक कर दिया जाता तो आज ये बेगुनाह बेकसूर महिला का शव यहाँ ना रखा होता। अब देखना को इतनी गंभीर घटना के बाद जो सफीदो मंडल के गांव खातरा में हुई है, जिसमें एक दर्दनाक हादसा हुआ, पोल गिरा महिला पर जो खेतों में काम कर रही थी उसकी मौत हो गई है, जिसको बिजली बोर्ड के एसडीओ ने माना है कि लापरवाही बिजली बोर्ड के है, बिजली कर्मचारियों के। अब देखना होगा इतना बोलने कहने सुनने के बाद प्रशासन, हरियाणा सरकार या बिजली विभाग किस तरह की क्या कार्रवाई करता है। ये बहुत ही गंभीर विषय की बात है, जिस पर सरकार को भी, बिजली विभाग को भी, सफेदो प्रशासन को भी, बिजली विभाग के सफेदो कर्मचारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे हादसे ना हो, और बिजली विभाग से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह की शिकायत देता है उसको समय पर दुरुस्त करें, समय पर ठीक करें, ताकि किसी की जान ना जा सके। आप बने रहिए, इस पूरी रिपोर्ट को हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफेदों के खानसर चौक से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।